हेलो मूडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मूडी गाय। सो आज की इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ डॉग लाइफ सिम्युलेटर। पर मैं उससे पहले आज का शाउट आउट दे देता हूँ। सो आज का शाउट आउट जाता है शारदा प्रसाद यादव, अल्टीमेट गेमर, आइको फॉलेक्स, मिस्टर साय, अनुभूति को। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप कमेंट करें। वेल, मैं अपना डॉग तैयार कर रहा हूँ जो कि सारी क्वालिटी से मिक्स होकर बने। एंड ये इसका पार्ट वन है। अगर चाहते हैं आप कि मैं इसके और पार्ट्स खेलूँ सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। सो गाइस, हमारा डॉग जो है वो तैयार हो चुका है एंड अब मैं इसका नाम रख देता हूँ। सबसे पहले मुझे ये सेलेक्ट करना कि मुझे किसकी फैमिली के साथ जाना चाहिए। उधर वाले फैमिली वाले मतलब स्मिथ फैमिली जो है वो बहुत मॉडर्न फैमिली है एंड मिलर फैमिली जो है थोड़ी गरीब टाइप के हैं, थोड़ी देसी टाइप के हैं। मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। अब मेरा नामकरण हो रहा है। मैं अपना नाम रखूँगा शिशिमानु या निंजा हथौड़ी का कैरेक्टर। मैं उसका नाम रख देता हूँ शिशिमानु। बड़ा नेम यहाँ पे अट नहीं पा रहा है। मैं इसमें इसका नाम रखूँगा मूकू या MUKOO। डन करते हैं। या हमारा नाम हो गया मूकू एंड अब हम लोगों को फिर से हड्डियाँ चबानी हैं जल्दी से जल्दी जाकर। एंड गाइस, मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब हम लोग 6 महीने के हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल खेलेंगे। मेरे पास 3 ऑप्शंस है, पी ऑन फादर, पी ऑन पॉप ऑन शूज, मतलब फादर के शूज पे या पॉप पी ऑन गार्डन, जो भी था। तो हम एक अच्छे डॉगी बनने वाले हैं मतलब हम लोग। मैंने पी ऑन गार्डन सेलेक्ट किया। मैं गुड डॉग हूँ एंड मरने के बाद मुझे हेवन मिलेगा। एंड अब मुझे फिर से बोन्स खाने हैं। बस यही करना है मुझे इस गेम में। बस एक दिन मैं कुत्ते की मौत मर जाऊँगा। यहाँ पे एक चोर आ गया है जो कि हमारे घर में कूद चुका है एंड मैंने चोर को मतलब सुन लिया है। वेक पेरेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा, मतलब क्या था जो भी ऑप्शन था उस पर मैं भौंकूँगा। नहीं, पहले मैं जगा दूँगा उनको। हालांकि मुझे भौंकना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पे बैड डॉग का सिंबल आया हुआ था। मैंने गुड डॉग वाले पे सेलेक्ट किया एंड अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, राइट। मैं फिर से हड्डियाँ खा रहा हूँ एंड अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ, मतलब 9 मंथ्स का हो गया हूँ। अब मुझे और आगे जाना है एंड अब मैं 1 ईयर का हो चुका हूँ। मैं अब नेक्स्ट लेवल खेलूँगा। बट उससे पहले मैं अपना घर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कैनल को एंड थोड़ा सा प्ले एरिया बना देता हूँ एंड डेकोर कर देता हूँ। अब मैं बैक हो जाता हूँ और फिर से कुछ खेल लेता हूँ। एक और डॉग को ले आए हैं मेरे फैमिली वाले। मीट योर ब्रदर, न्यू ब्रदर। मैं इस पर अटैक नहीं करूँगा, बेचारा छोटा सा है। मैं इसके साथ खेल लेता हूँ। मैंने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया है एंड अब नेक्स्ट लेवल की बारी है। मैंने फिर से हड्डियाँ चबा ली एंड ये वाहियात ऑप्शन आने वाला है इस बार। डू यू वॉन्ट टू चेंज योर ब्रीड? नो। मैं कोई दूसरा ब्रीड का डॉग नहीं बनना चाहता।
सो अब फिर से और ज़्यादा मतलब हम लोग खेल रहे हैं। सो मैं 1 year 3 months का हो चुका हूँ एंड अब मुझे फिर से खेलना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंड मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं जो वो जो नया डॉग आया है उसको सब प्यार कर रहे हैं, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं। सो मैं अभी जाता हूँ एंड या मैं अच्छे डॉग की तरह उनके पास बैठ जाता हूँ ताकि वो लोग मुझे भी प्यार करें। सो या वो लोग मुझे प्यार करने लगे हैं एंड या मैं नेक्स्ट लेवल खेलूँगा। सो मुझे फिर से हड्डी चबानी होगी, हर लेवल के बाद मुझे हड्डी ही चबाना रहता है। सो क्या हुआ पता नहीं। ओके क्वेश्चन आया है, सो स्मेल एंड एडल्ट डॉग के पास कितने टीथ होते हैं, शायद से 42। एंड हाउ ओल्ड वॉज द ओल्डेस्ट डॉग रिपोर्टेड टू बी वेन ही डाइड, 29 था। पता नहीं कौन से ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया एंड या अब मैं और आगे बढ़ रहा हूँ और हड्डियाँ चबा रहा हूँ। सो या एंड अब मुझे क्या करना चाहिए, चलो मैं अपने घर को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। सो मैं प्ले एरिया पे क्लिक करता हूँ एंड कुछ और नए झूले एंड डेकोरेशंस और बढ़ गई है। सो या एंड अब मैं जब बाजार में आया एंड मैं देखता हूँ कि ये बुड्ढा किसको मतलब क्या ही कर रहा है। तो मैं एक अच्छा डॉगी हूँ इसीलिए मैं अपनी मालकिन को जो मतलब मैं बता देता हूँ कि वो क्या कर रहा है एंड वो आएगी तुरंत ही, अब मज़ा आएगा। सो या इसने उसको बहुत डांटा है, आप लोग लड़की का रिएक्शन देखो एक बार। सो या मतलब मैं अच्छा डॉगी हूँ, सो या मैं अच्छा ही डॉगी रहूँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। सो मैं फिर से हड्डियाँ चबाना हूँ एंड मैं गुड डॉग हूँ। सो मैं और 3 months का हो गया हूँ यानी कि 1 year 9 months का एंड मैं अब फिर से एक लेवल प्ले करूँगा। सो इस बार मैं मस्त बीच पर आया हूँ एंड यहाँ पे है सन बाथ स्विम एंड डिगे होल। सो या सन बाथ ही ले लेता हूँ, स्विम का तो पता नहीं मतलब उसमें ऐड आ जाती। वैसे मेरे स्विम करने का मन था बट कुछ कर नहीं सकते। सो यहाँ एक और लेवल कंप्लीट हो गया है एंड मैं फिर से हड्डियाँ चबा रहा हूँ, बस मेरा यही काम बच गया है ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं। सो या और हड्डियाँ चबाता हूँ एंड न्यू आउटफिट अनलॉक्ड। सो या उसके लिए मुझे ऐड देखना पड़ता जो कि मैं नहीं देखना चाहता ऑब्वियसली। सो बस मैं 2 year का हो चुका हूँ एंड इस बार मेरे पास क्लोजेट का ऑप्शन है। सो मैं कौन सी ड्रेस लूँ, सो मैं 400 वाली ड्रेस लेता हूँ। सो या उसको मैं बाद में ले लूँगा एंड मैं अपना ये वाला एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूँ लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा। सो या मैं एक और लेवल खेल लेता हूँ। सो इस बार मैं आ चुका हूँ, अरे इसने मुझे नीचे गिराया। सो मैं अब आ चुका हूँ वेटनरी डॉक्टर के पास एंड वो मुझे इंजेक्शन दे रहा है। सो मैं चुपचाप इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, स्टे काम। मेरे पास 3 options थे, एक तो बाइट करने का, तो वो सब मैं नहीं करूँगा। हालांकि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी रोने की आवाज़ आप लोग सुन ही पा रहे थे। सोया अब मैं जल्दी से और हड्डियाँ कलेक्ट करता हूँ एंड फिर से वही मतलब बेकार ऑप्शन आएगा चेंज योर ब्रीड वाला। सो मैं नहीं चेंज करूँगा, हालांकि जो फर्स्ट वाला आप लोग डॉगी देख पा रहे होंगे वही डॉगी मतलब जियान का पेट है एंड मेरा नाम भी मुकू है, बट मैं नहीं चेंज करूँगा अपनी ब्रीड। सोया तो बस मतलब मैं फिर से अपनी एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। नो एड्स अवेलेबल, सो कुछ नहीं कर सकता। एंड ये क्या आया है, सो इसमें मुझे मिला पुल द कर्टेन जॉइन मॉम पुल डैड स्टाइल। मतलब सारे ही खराब ऑप्शंस है बट कुछ कर नहीं सकते लेवल बढ़ाने के लिए मुझे। आई थिंक मैं नंबर 1 ही तो मैंने टॉवल चुरा लिया एंड आप लोग देख पा रहे होंगे। सो या मैं टॉवल चोर भी हो गया, बैक डॉग जो कि आप कह सकते हैं। सो फिर से मैं हड्डियाँ चुराऊँगा एंड या
कलेक्ट करूंगा। वैसे तो रास्ते में हड्डियां पड़ी हुई है तो उसको चुराना ही कहते हैं वैसे तो। सोया अब मैं फिर से एक नए लेवल में आता हूँ। सो ग्रैब मी ए ड्रिंक, ये कह रहा है ये बदमाश। सो मेरे पास फिर से तीन ऑप्शंस आएंगे, मुझे पता है। गेट ड्रिंक, गेट चिली सॉस, गेट मिल्क। वैसे तो मुझे इसको चिली सॉस देना चाहिए था, मज़ा आ जाता, बट नहीं, चलो कोई बात नहीं, मिल्क ही दे देता हूँ। वेल सो या गाइस, अब मुझे मतलब फिर से एक प्रॉब्लम हो रही है। सोया आप लोग देख पा रहे होंगे कि फिर से क्वेश्चन आ गया है जिसका मैं कुछ भी ऑप्शन आंसर दे दूंगा, मुझे इसका नहीं है। सोया मैं कुछ भी मतलब आंसर डायरेक्ट रैंडमली क्लिक कर दूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे कुछ भी क्लिक कर देता हूँ। सोया अब मैं थोड़ा सा मतलब और हड्डियाँ कलेक्ट करूँगा एंड बस मैं और ज़्यादा जल्दी जल्दी कलेक्ट करूँगा। 2 ईयर 9 मंथ्स का हूँ मैं अभी। सो मैं अपना प्ले एरिया को बढ़ा सकता हूँ, सो मैंने बढ़ा दिया एंड यप, प्ले एरिया तो मेरा बढ़ चुका है एंड आज है मेरा बर्थडे। वाह, मतलब मेरा फर्स्ट बर्थडे मना नहीं, सेकंड बर्थडे मन रहा है। सो मैं स्पा लूँगा, 3 ऑप्शंस थे, सो मैं स्पा ही लेना चाहूँगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सोया अब मैं और ज़्यादा हड्डियाँ चबाता हूँ एंड बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रही होगी। सोया मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सोया अब मैं और हड्डियाँ चबाता हूँ। सो मैं और 3 महीने का हो चुका हूँ एंड अब मतलब मुझे एक और लेवल खेल लेना चाहिए, बट उससे पहले मैं एक कपड़ा सेलेक्ट करता हूँ। सो ये वाले के लिए मुझे और हड्डियाँ चाहिए शायद से। सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। सोया सो वी आर गोइंग ऑन ए वैकेशन, पैक योर बैग। ओके, सो मुझे अभी पैक करने हैं अपने बैग एंड मैं नाच रहा हूँ खुशी से, मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे हड्डी रखता हूँ, यहाँ पे ये गोल सी चीज़ रखता हूँ एंड यहाँ पे ये सोया। अब ये एरोप्लेन से जा रहा है, मैंने पहली बार ऐसा एरोप्लेन देखा है जिसमें आदमी प्रसर खिड़की से बाहर निकाले हो। सोया कोई बात नहीं। सो अभी मुझे हड्डियाँ मिल गई हैं, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ, तो मैं और हड्डियाँ कलेक्ट करता हूँ जल्दी से और मैं और 3 महीने का हो जाता हूँ। सो ये अब मैं और ज़्यादा 3 महीने का हो चुका हूँ एंड अभी है क्रिसमस। सो अब मुझे अपना गिफ्ट सेलेक्ट करना चाहिए, मैं बीच वाली सेलेक्ट करना चाहूँगा। सो बीच में क्या है, ओह माय गॉड, ये तो एक हड्डी है। चलो कोई बात नहीं, मुझे हड्डी मिली, वैसे डॉगी को हड्डी बहुत पसंद होती है, सो या उसके लिए तो अच्छा ही है। सो अब मुझे जो है और आगे जाना चाहिए एंड वैसे रियल में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, सो कोई बात नहीं। वैसे मैं फिर से अपना ब्रीड नहीं चेंज करना चाहूँगा। सो या अब मैं और आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ एंड मैं और 3 महीने का हो चुका हूँ। सो या अब मैं और 3 महीने का हो गया हूँ, बाय बाय हनी। ओके, सो हमारे जो फादर हैं यानी कि मालिक, वो अभी जा रहे हैं। सो मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक गो आउटसाइड, अच्छा 2 ऑप्शन है, एक है गो आउटसाइड एंड दूसरा है क्लोज द डोर। तो मैं क्लोज कर दूँगा डोर को क्योंकि मुझे हेवन में जाना है, मैं एक अच्छा डॉगी बनूँगा। सोया सो मैं अच्छा डॉग हूँ एंड या नेक्स्ट। सो फिर से मुझे हड्डियाँ कलेक्ट करनी है एंड न्यू आउटफिट अनलॉक्ड। मैं इसको मतलब कलेक्ट नहीं करूँगा अभी क्योंकि उसके लिए ऐड देखना होगा एंड ऐड देखूँगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा। सोया सो मैं और थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ एंड मैं खेलूँगा नेक्स्ट लेवल। टर्न लेफ्ट, ओके सो मुझे लेफ्ट होना है एंड या हो गया मैं।
जंप। अब जंप, ओके सो मुझे अब जंप भी करना है। सो मैं जंप करता हूँ जल्दी से। स्लीप। ओके सो मैं जंप करता हूँ। ओके सो मैंने जंप भी कर लिया है एंड फिर से मुझे वही हड्डी कलेक्ट करने का काम, जो कि उसके अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है इस गेम में। सोया मैं और चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी, और हड्डियाँ कलेक्ट करता हूँ मैं। सो मैंने और हड्डियाँ कलेक्ट कर ली है एंड अब मैं मतलब क्या करूँ, वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं इसको कुछ ही देर में एंड कर दूँगा। सो या गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।